जी बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4 इफेक्ट ऑफ करंट। आपका जो ह्यूमन आई और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पार्ट है वो आपको करवाएंगे ऑफलाइन पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 4 है आपका ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना आपका इलेक्ट्रा से, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रा, और इलेक्ट्रा का मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रा का क्या मतलब है? चार्ज। चार्ज मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, पहले आप ये जानिए चार्ज जो है वो कितने तरह का होता है। अगर चार्ज रेस्ट में हो, अगर चार्ज रेस्ट पे हो मतलब अगर चार्ज मोशन में ना हो तब हम चार्ज को बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। अगर यही चार्ज चल पड़े, अगर यही चार्ज मोशन दिखाए तब हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है? जब चार्ज रेस्ट पर है, और आपका चार्ज जब मोशन में है बेटा तो उसको हम क्या कहेंगे कि चार्ज का फ्लो रहा है। तो स्टैटिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि करंट का मतलब फ्लो है। देखो करंट यहां पर गलत ना लें आप, करंट की सेंस का मतलब, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, करंट का मतलब है फ्लो। अब अगर बाहर किसी रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है देन यू कैन से दैट इट इज अ वाटर करंट। बाहर अगर एयर फ्लो कर रही है देन यू कैन से दैट इट इज अ एयर करंट। अगर वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में करंट वर्ड का मतलब फ्लो है। इलेक्ट्रिक का मतलब वो है जो आप इलेक्ट्रिकल बात समझते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब करंट, और चार्ज को हमने क्या बोला बेटे? चार्ज को हमने बोला इलेक्ट्रा, और इलेक्ट्रा से बना इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलूंगा फ्लो ऑफ चार्ज को। तो जब भी हमारा चार्ज मोशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बात, रुके हुए चार्ज को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्ज। और इससे जुड़ी जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज जब रेस्ट पर होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में, कुछ आप अभी पढ़ेंगे टेंथ में। और अगर चार्ज मोशन में होगा जो प्रॉपर्टी आप मोशन ऑफ चार्ज की पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट मीन्स फ्लो और चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रा वर्ड से बनी है, बेसिक वर्ड चार्ज है। चार्ज की दो स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन। एक्सेलरेटेड भी होती है, मोशन में भी फिर दो टाइप है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट में स्टैटिक चार्ज कहलाएगा, मोशन में फ्लो ऑफ चार्ज कहलाएगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उधर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज चार्ज। तो अब हम चार्ज पढ़ेंगे भाई, चार्ज क्या है। अब वर्ड बार बार लिख रहे हैं हम चार्ज चार्ज, तो इस चार्ज का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज। सो देखिए यहां पे चार्ज क्या है। हां जी, आप कोई भी बॉडी इमेजिन करो, आप आईज क्लोज करिए और कोई भी फिजिकल बॉडी में इमेजिन करो, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा होगा उस बॉडी का मास जरूर होगा। अब मैं जिस चीज से आपको टच कर रहा हूं, ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसका कुछ मास है ना, ये मास पोजेस कर रहा है। अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूंगा अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। किस प्रॉपर्टी के कारण मार्कर को अर्थ ने अट्रैक्ट किया? मास की वजह से। यानी अगर मास है किसी बॉडी में तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मटेरियल्स पे फोर्स लगता है, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज। यानी अगर चार्ज आ जाए किसी खास तरह का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है नेगेटिव, वो हमारा नाम दिया हुआ है, हम कहेंगे एक टिपिकल टाइप ऑफ चार्ज को पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे टिपिकल टाइप ऑफ चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों रिपेल करने लग जाएंगे। क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स है? नहीं, चार्ज आया तो ये फोर्स लगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो बेटा चार्ज क्या हुआ? चार्ज मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी हुई, इस मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी हुई जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर दोनों है तो ग्रेविटेशन भी करेगा और इलेक्ट्रिकल भी करेगा। तो चार्ज
क्या हुआ हमारा, द बेसिक प्रॉपर्टी, द बेसिक प्रॉपर्टी, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड एग्जिबिट मीन्स शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन है द बेसिक और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इट एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी में। तो मेन हमने क्या पढ़ा यहां पे कि चार्ज जो है उसकी वजह से क्या लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, और चार्ज जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स में फोर्स दोनों तरह का हो सकता है, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, वो तो डिपेंड करेगा सेम नेचर ऑफ चार्ज है कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, वो आप बेसिक बात समझ रहे होंगे। तो चार्ज की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वो बेसिक प्रॉपर्टी मैटर की जिसकी वजह से मटेरियल पार्टिकल्स में फोर्सेस लगते हैं अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं बेटे। तो चार्ज कितने तरह का आया है यहां पे हमारे पास, चार्ज आया हमारे पास यहां पे दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं मैटर में, हम बात कर रहे हैं कि चार्ज आता कहां से है। तो कोई भी चीज है, आप 9th की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज है मैटर है तो वो किससे बना हुआ है, फंडामेंटल चीज क्या है उसके अंदर। आप बोलेंगे सर एटम है, कोई भी चीज है एटम की बनी हुई है। और एटम को अगर मैं बेसिकली बताऊं आपको तो एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करते हैं अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में, स्पेसिफिक अलग तरह की एनर्जी के साथ। तो भाई जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उन पे खास तरह का चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक खास तरह का चार्ज है जिसको फिजिसिस्ट ने नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, नाम दे दिया है एक खास तरह का चार्ज। मैं ये कह सकता हूं प्रोटॉन पे एक टाइप का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे एक टाइप का चार्ज है, प्रोटॉन वाले को प्लस का चार्ज बोलते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है मैटर का वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से बेटे। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको क्या कंसीडर कर लिया गया फिजिक्स में, नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया गया है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को। दिमाग में आएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को किसने दे दिया चार्ज, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वे बने हुए हैं क्वार्क्स के, क्वार्क्स जो हैं और भी सब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनका एग्जिस्टेंस जो है वो प्रोबेबल है कि वो हैं या नहीं है, या साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस में उनको फाइंड आउट कर लिया है पर उनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा है कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो जो जिस लेवल पर हम अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल को वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम तो क्या मानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है वही बेसिक जो है यूनिट है चार्ज की। तो क्वार्क का चार्ज हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, वैसे अपनी आईक्यू बढ़ाने के लिए आप क्वार्क के चार्जेस पढ़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल क्वार्क्स हैं, क्वार्क इनसे भी छोटे पार्टिकल हैं और उनमें फ्रैक्शन में चार्ज होता है। फ्रैक्शन में चार्ज का मतलब है जैसे 2/3 यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, 1/3 यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, पर इन पे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, कभी इलेक्ट्रॉन पे ऐसा नहीं होगा 1.5 हो गया, 1.1 हो गया, होल नंबर में होगा। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 8 प्रोटॉन है तो 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तुम्हारी बात चल रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, इतना तो बेसिक सबको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव के रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटॉन्स और नेगेटिव के रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कब आएगा, अगर मान लो मैं यूं कहूं एक बॉडी है एटम है, जैसे एटम न्यूट्रल है, एटम की खासियत क्या है, आइसोलेटेड एटम की, जिसने इंटरेक्ट नहीं कराया, कोई आयन नहीं बनाया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं ना लिए किसी से, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज की टर्म में अगर हमारे पास एक तकड़ी हो,
हमारे पास एक बीम बैलेंस हो, एक साइड रख रखे प्रोटोन, 10 प्रोटोन, एक साइड रख रखे इलेक्ट्रॉन, होगा क्या, यह होगा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बॉडी विल रिमेन न्यूट्रल। तो जब बॉडी के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बैलेंस होते हैं उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज कहते हैं, उस पर न्यूट्रल चार्ज है। तो एटम कैसी एंटिटी बेटा, आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, इट इज अ न्यूट्रल एंटिटी। तो न्यूट्रल एंटिटी का मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है, संख्या जब बराबर है तो चार्ज बराबर है, चार्ज जब बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल है। अब थोड़ा सा अलग केस पे आ जाओ, तो ऐसा ही अगर मैं यहां पे करूं, किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा कर दूं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो अब क्या होगा, जो हमारे पास बीम बैलेंस था इसमें पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, एक में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज बढ़ गई तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज पोजेस करती है उस पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है ऑलवेज, और इलेक्ट्रॉन उसके कम होते हैं। शुरू में तो दोनों बराबर थे, फिर इलेक्ट्रॉन कम क्यों हुए, उस बॉडी ने पक्का इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। जैसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसको 2, 8, 1 लिखते हो, बाहर का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस कर दिया। अब ये लॉस कर दिया तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11 है। तो प्रोटॉन एक ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिसबैलेंस होना और प्रोटॉन्स का ज्यादा होना। अब आ जाओ नेगेटिव पे, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, इधर देखिए, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, नेगेटिव का कौन है सोर्स, नेगेटिव का सोर्स है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर प्रोटॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बेटे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट से ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। ज्यादा कब होगी, शुरू में तो न्यूट्रल थे, ज्यादा जब होगी, जब गेन करा होगा। गेन का आपको एग्जांपल क्या बताऊं, क्लोरीन का देख लो। अब क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है 17 को क्या लिख सकते हो, 287। अब मान लो क्लोरीन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसी और एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन करने बाद क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18, और एटॉमिक नंबर था 17, तो प्रोटॉन कितने थे, 17 प्रोटॉन थे। तो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा हैं, तो 18 तो 17 से बड़ा है, तो कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव, और क्लोरीन को आप केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिसबैलेंस होना। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज आता कैसे है, और कुछ बातें पढ़ी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चार्ज की कुछ एक दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेसिक। देखिए भाई, चार्ज की प्रॉपर्टी देखिए, देखो भाई, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यस, पहली बेसिक प्रॉपर्टी आपने जानी, आपने समझी, पहली है लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। तो भाई क्या है, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करेंगे, मान लो पॉजिटिव है क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव है बेटा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है अट्रैक्ट करेंगे, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, चार्जेज एडिटिव होते नेचर में, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे चार आएगा, चार एक में जुड़ जाएगा पांच आ जाएगा,
चार्जेस का नेचर मल्टीप्लिकेटिव या डिविजिबल नहीं है, सब्ट्रैक्टिव भी नहीं है, चार्जेस का नेचर एडिटिव है। कोई बॉडी है उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लग आउट किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने तीन इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए तो इस पे तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो टोटल पॉजिटिव कितनी आ गई यूनिट, फोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया टोटल। तो फोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब आया, चार्जेस जब एडिटिव था नेचर में। क्लियर? थर्ड है, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब इसको आप यूं लिखें, नोटबुक में लिखें, इस तरह मैं बोल रहा हूं, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब है भाई चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो, ना तो नया चार्ज पैदा होता है ना ही चार्ज खत्म होता है। अगर मान लो इस मार्कर पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया रब करने से, तो एक इस पे नेगेटिव पक्का आया होगा, तो पूरे सिस्टम पे हमेशा चार्ज न्यूट्रल रहेगा। तो चार्जेस कंजर्वेटिव इन नेचर का क्या मतलब बेटा, मान लो एक बॉल थी मेरे पास, स्फेरिकल बॉल, उस पे 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी एक बॉल थी उस पे कोई चार्ज नहीं था, यानी जीरो लिख लूं मैं, न्यूट्रल चार्ज था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे। अब मैंने इन दोनों बॉल्स को कॉन्टेक्ट करा दिया, कुछ देर बाद क्या हुआ, इस बॉल पे प्लस फाइव आ गया और इस बॉल पे भी प्लस फाइव आ गया, और वायर मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। अगर मैं अब ध्यान से देखूं, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है फिजिक्स में जब कोई तीसरी बॉडी इंटरेक्ट ना कर रही हो, इन दो बॉल्स को पता है ये क्या कर रही है, तीसरे को किसी को कुछ नहीं पता। तो इस सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है, 10 + 0 = 10, और बाद में जब ये इंटरेक्ट करना बंद कर देंगी, तीसरा फिर भी नहीं है, आपस में इन्होंने बंद किया है, 5 + 5 कितना है 10, यानी बिफोर शेयरिंग चार्ज कितना था बच्चों, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितना है बच्चों, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग जब चार्ज बराबर है, तो चार्ज मैं क्या कह सकता हूं, कंजर्वेटिव है, ना बना ना खत्म हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी भी गया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्जेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। लास्ट आपके साथ आज हम बात करेंगे कि चार्ज को क्वांटाइज भी हम कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की लास्ट है प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। हाउ, देखिए तीन प्रॉपर्टी देखिए, पहले ये जो पढ़ाई आपको, यस देखिए भाई, लास्ट है, चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड, चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड, यस इसी वर्ड को पकड़ लो, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चों पैकेट के फॉर्म में किसी चीज को ब्रेक कर देना, पैकेट्स के फॉर्म में। जब आप एक ब्रेड का पैकेट लेते हैं और उस ब्रेड के पैकेट को खोलते हैं, तो उस ब्रेड के पैकेट में ब्रेड्स निकलती हैं, इक्वल स्लाइसेस की निकलती हैं लगभग, तो हम ये कहेंगे उस ब्रेड के पैकेट का क्वांटाइजेशन हो रखा है। चार्ज का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन आप कुछ यूं समझ लें, किसी बॉडी पे मान लो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो आपसे कोई पूछे वो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन गया, दो गया, तीन गया, चार गया, इस तरह। तो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाने के लिए, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर अपियर होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का जाना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वन यूनिट चार्ज को हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में स्मॉल ई से, और स्मॉल ई की वैल्यू बोली गई है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और बेटे कूलाम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट है, ये नोट कर लेना, कूलाम जो है एसआई यूनिट है चार्ज की, ठीक है। तो वन यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, स्मॉल ई के इक्वल होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है, अब कोई भी बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो गिव कर रही है, लॉस कर रही है, पर वो करेगी होल नंबर में, तो बॉडी ट्रांसफर्स मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या कह सकते हैं जो बॉडी पे चार्ज आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज, और ये हो गया यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ई। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसका आपको एक एग्जांपल कराएंगे, बस ये लास्ट होगा। देखिए इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ बॉडी लॉस इट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड दी
चार्ज दैट विल अपीयर ऑन द बॉडी, फाइंड द चार्ज दैट विल अपीयर ऑन द बॉडी। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉडी के लॉस हुए, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, क्या निकालना है, कितना चार्ज आएगा। भाई लॉस होने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो आंसर हो जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। हाँ जी, Q क्या था, चार्ज था, N क्या थे, N क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं कहूंगा होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शन में नहीं। और E क्या है, E है 1 यूनिट चार्ज, वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या है 10, और छोटे E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इस तरह चार्ज आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन आप सभी ने घर से करना है। तो ये था बेटे आज का लेक्चर आपका चार्ज के ऊपर, तो बाकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।